हेलो बच्चों, वेलकम टू विनिंग एज स्टडी पॉइंट ई क्लासेस। आज हम करने वाले हैं हमारा मैथ के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, इससे पिछली क्लास में हमने 2.1 के कर लिया था और पूरा समझ लिया था। आज हमें 2.2 करना है और 2.2 में जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसमें से सबसे पहला टॉपिक हमारा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो ये आएगा, इसको हिंदी में हम बोलते हैं बहुपद का शून्यंक, बहुपद का शून्यंक। ठीक है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का शून्यंक। तो क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? तो ये वो नंबर होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो नंबर होता है जिसे पुट करने पर, किसी पॉलिनोमियल में पुट करने पर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल वो नंबर होता है जिसे किसी पॉलिनोमियल में पुट करने पर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक बार हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो जैसे कि मान लो आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। अच्छा देखो, एक बात ये समझ लेना हमें कि किसी भी पॉलिनोमियल को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है पी, ठीक है, और ब्रैकेट में जो भी उसका उसके अंदर आपका वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है उसको लिखते हैं। ठीक है, पी बाहर क्यू भी लिख देते हैं, आर भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉलिनोमियल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके अंदर वेरिएबल वो होता है जो उसमें यूज हो रहा होता है। ठीक है, और हमें जितनी भी चीजें पढ़नी है, जितना भी हम पॉलिनोमियल के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं फिलहाल, वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही होने वाला है, इसीलिए हम इसके अंदर सिर्फ वन वेरिएबल को ही शो करते हैं। ठीक है, और जो वेरिएबल उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है उसी को। तो पी एक्स मैंने लिखा एक्स माइनस फाइव, तो मैं पूछना चाहूंगा कि मैं एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे कि p इस वाली वैल्यू में, इस x माइनस फाइव में, इस x की जगह मैं क्या रखूं जो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो आप बोलोगे ये है माइनस का फाइव, ये क्या है माइनस का फाइव, कहीं से एक प्लस का फाइव आ जाए तो ये माइनस का फाइव और प्लस का फाइव मिलके क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है, ये माइनस का फाइव पहले से है, अगर कहीं से प्लस का फाइव आ जाएगा तो उसकी ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है, इसको जीरो करने के लिए यही करना पड़ेगा, तो मैं लेट कर लूंगा x इज इक्वल टू फाइव, और अगर x इज इक्वल टू फाइव लेट कर लेंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा फाइव माइनस फाइव, इस x की जगह मैंने क्या रख दिया, फाइव और माइनस का फाइव, तो फाइव माइनस फाइव कितना होता है, जीरो। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन बना, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल बना हमारा फाइव, कौन बना फाइव, क्योंकि यही वैल्यू रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का शून्यंक एक ऐसा नंबर होता है जिसे किसी बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल में पुट करने पर उसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद का क्या है, शून्यंक है। ऐसे ही हमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने हैं, फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे बुक में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम समझते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम अपना एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है चेक वेदर माइनस टू एंड टू आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स प्लस टू, कि हमें इसमें चेक करना है कि क्या माइनस दो और प्लस का दो पॉलिनोमियल x प्लस टू का जीरो है या नहीं है। यानी क्या अगर हम x प्लस टू इस पॉलिनोमियल में ये दो वैल्यूज रखते हैं माइनस टू एंड प्लस टू, तो क्या वो जीरो होता है या जीरो नहीं होता, तो इसे हम चेक करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि सबसे पहले हम किसी पॉलिनोमियल को कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, जो भी वेरिएबल होता है बाहर p लिखते हैं, ब्रैकेट में जो वेरिएबल होता है उसको लिखते हैं। यहां पे वेरिएबल x इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, x, p x इज इक्वल टू x प्लस टू। अब मैं इसमें क्या करूंगा, एक एक करके ये दोनों वैल्यू पुट करूंगा। सबसे पहले हम पुट करते हैं लेट x इज इक्वल टू माइनस का टू, तो लेट x इज इक्वल टू माइनस का टू, तो यहां पे आप पुट करेंगे p माइनस टू,
ये बन जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2, और माइनस का 2 और प्लस का 2 कितना होता है, तो ये होता है 0। तो ये तो इसका 0 बन गया। अब हमें एक बार और चेक करना है, किसे चेक करना है, प्लस के 2 को, कि क्या प्लस का 2 पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 होती है या नहीं होती है। तो अब आप फिर से लेट करेंगे x इजिकल टू 2, और आप चेक करेंगे कि ये एक 0 इसका है या नहीं। तो यहां आ जाएगा प्लस का 2 और प्लस का 2, तो दो बार प्लस करेंगे 2 को तो कितना आएगा, 4, 2 और 2 4, तो ये 0 के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि माइनस 2 तो उस पॉलिनोमियल का 0 है, पर प्लस का 2 उस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो मैं इसमें लिखूंगा माइनस 2 इज अ 0 द 0 ऑफ पॉलिनोमियल एक्स प्लस 2, बट 2 इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल एक्स प्लस 2। यानी कि माइनस का 2 तो उसका पॉलिनोमियल का 0 है, बट प्लस का 2 उस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। हिंदी में लिखेंगे माइनस का 2 बहुपद एक्स प्लस 2 का शून्यंक है, परंतु प्लस का 2 बहुपद एक्स प्लस 2 का शून्यंक नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आपको, कि माइनस का 2 तो उसका शून्यंक है, पर प्लस का 2 उसका शून्यंक नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इसके साथ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें लिखा है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इजिकल टू 2x+1। तो आपको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x+1, आपको इसका 0 फाइंड करना है। तो हमने अभी स्टार्टिंग में समझा था कि 0 फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, पर मैंने वो आपको कुछ मतलब ऐसे ही बताया था, पर मैथमेटिकल तरीके से आप कैसे करेंगे वो मैं आपको अब बताता हूँ। ठीक है, कि आपको फाइंड करना है 0 ऑफ पॉलिनोमियल। 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने बताया था कि वो वैल्यू जो पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो क्यों ना हम उसको पहले ही 0 मान ले। तो हम इसीलिए लेट करते हैं कि जो हमारा पी एक्स है वो इक्वल टू होता है 0 के। हम ये मान लेते हैं कि पी एक्स बराबर है 0 के। पी एक्स बराबर है 0 का मतलब है कि ये भी पी एक्स ही है, और ये पी एक्स की तो वैल्यू है। अगर मैंने इसको 0 के बराबर बोला, तो इसका मतलब ये भी 0 के बराबर है। तो मैं पी एक्स की जगह लिखता हूं 2x+1, और मैं कहता हूं कि ये इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो पी 2x+1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। ठीक है, अब 2x+1 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो आपने कभी इक्वेशन अगर सॉल्व करी है छोटी क्लासेस में, तो आपको पता है कि हम इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कि ये प्लस की वैल्यू उधर जाके किसकी हो जाती है, माइनस की। जब आप इक्वल के साइन के उधर ले जाते हो, इसको इक्वल के उधर ले जाते हो, तो इसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस की वैल्यू को उधर लेके जाओगे, प्लस वन उधर जाके क्या बन जाएगा, -1। ठीक है, और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर ले जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, और यही इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो आप लिख सकते हो -1/2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल एक्स प्लस 2, या पूरा लिख लो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यानी अतः -1/2 बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का शून्यंक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, तो बहुत ही आसान है।
हमें इसका जीरो निकालना, उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसको जीरो के बराबर आप लेट कर लेंगे, और जीरो के बराबर लेट करके उस एक्स की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए अगर प्लस हो रहा है तो माइनस कर दो, माइनस हो रहा तो प्लस कर दो, मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड कर दो, डिवाइड हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा कर दो इक्वल के लिए उधर ले जाके। ये तो आप वैसे भी छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, तो इससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वही आपका क्या होगा, जीरो। आपको ये भी बोला जा सकता है कि भाई यहाँ पे आपने निकाल तो लिया कि एक्स की वैल्यू निकाली जो कि आप जिसे आप कह रहे हो कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आपको ये भी बोला जा सकता है कि चेक करो, चेक वेदर इट इज ट्रू और नॉट, कि मतलब ये असलियत में इसका जीरो है भी या नहीं। हमने निकाल तो दिया पर चेक, हमें चेक भी करना पड़ेगा कि ये इसका जीरो सही में है या नहीं। तो अगर मुझे चेक करना पड़ जाए तो मैं क्या करूंगा, चेक करने के लिए आप लेट कर लो कि एक्स की वैल्यू, आपने एक्स की वैल्यू क्या निकाली है, -1/2। तो एक्स की वैल्यू को -1/2 आप पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करो, आपको पी एक्स इजिकल टू क्या दे रखा था, आपको दे रखा था 2x+1। तो 2x, ये पी एक्स की जगह -1/2 रखना है, तो 2 और एक्स की वैल्यू -1/2 और प्लस में 1। अरे 2x+1 है ना, तो 2 और x की जगह आपने लिखा -1/2 जो कि यहां से आया है, ठीक है, और प्लस में 1। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा क्योंकि एक ऊपर एक नीचे है, इधर आया -1 और इधर आया +1, तो -1 + 1 कितना होता है, 0। यानी कि पी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0। यानी कि हमने जो वैल्यू मानी है x इजिकल टू -1/2 जो हमने निकाली है, ये इसमें इसका सही में क्या है, 0 है। तो ये जीरो पॉलिनोमियल है, ये बात आपकी यहाँ पे प्रूव हो जाती है। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, तो ये चेक करने वाला है, इसमें एक्स्ट्रा है जो कि मैंने करा दिया, आप इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है, कि चेक कैसे करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है जिसमें लिखा है वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x²-2x। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हमें चेक करना है कि क्या 2 एंड 0 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं। तो जैसे कि आपने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, तो इसमें भी हमें वही करना है। इसमें आपको बस एक्स की जगह इन दो वैल्यूज को पुट करना है और चेक करना है कि क्या ये इसके जीरो है या नहीं। उसके लिए हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे, अगर वैल्यूज को पुट करने पे आंसर जीरो आता है तो ये इनके जीरोज हैं, और अगर जीरो नहीं आता है तो इनके जीरोज नहीं है। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं कि पी की वैल्यू 2, तो यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 2 × 2 कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में 4, 4 - 4 जीरो होता है, यानी कि ये तो इसका जीरो है। अब हम लेट करते हैं एक बार x इजिकल टू 0, तो जब x इजिकल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर -2 × 0, तो ये भी बन जाएगा 0 - 0, तब ये भी कितना आ गया, 0। यानी कि देयर फोर 2 एंड 0 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x²-2x, यानी कि इसके जीरोज हैं। हिंदी में लिखना चाहो तो 2 तथा 0 यानी 0 बहुपद x²-2x के शून्यंक हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो हम लोगों ने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीख लिया। अब हमें इसमें एक और चीज सीखनी है, और वो है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब हमें सीखना है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आपको किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना सीखना है कि किसी, आपको इसके इसमें क्या दिया जाएगा कि आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है और एक्स की एक वैल्यू दे दी गई है, एक्स की कोई एक वैल्यू दे दी गई है, इस वैल्यू पे आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। इस एक्स की इस वैल्यू पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, आपको वो निकालना है, ठीक है। तो वो आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको ये वैल्यू इसमें पुट करनी है। जैसे जब आप जीरो निकालते हैं तो उसके लिए तो आपको ऐसी वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ती है जो उसकी वैल्यू को जीरो कर दे, पर जब हम सिर्फ वैल्यू फाइंड करते हैं, अभी हम जीरो नहीं निकाल रहे,
इस वाले क्वेश्चन में हम इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं निकाल रहे हैं, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, और उसके लिए हमने एक्स की एक वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। तो यहां पे जरूरी नहीं है कि इसकी वैल्यू जीरो आएगी, इसकी वैल्यू यहां पे कुछ भी आ सकती है, ठीक है। तो हमें इसमें बस करना क्या है, वैल्यू को पुट करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। आपको यहां पे वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है कि वेरिएबल की वैल्यू एक्स इजिकल टू वन है, और इसको पुट करके यहां पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है इस पी एक्स की। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बस आपको इस एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, वन। इस एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, वन। तो जहां जहां पे एक्स लिखा है वहां वहां पे आपको वन लिख देना है। जैसे यहां पे एक्स लिखा है, इसकी जगह आपको क्या लिख देना है, वन, और उसका स्क्वायर -3 इंटू एक्स है, उसकी जगह हमने लिखा वन प्लस में सेवन। तो कभी भी अगर आपको किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो उसके लिए आपको जो भी वैल्यू दी गई है एक्स की, उसको इसमें पुट कर देना है, बस सिंपल। और आपको इसको सॉल्व कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 5 इंटू में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -3 वन जा 3 और प्लस का 7, तो 5 वन जा 5 -3 प्लस 7, तो 5 में से 3 गया 2 प्लस 7, और 2 और 7 कितना होता है 9। तो ये आपकी वैल्यू आ गई इस पॉलिनोमियल की, ठीक है, एट एक्स इजिकल टू 1। ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन के दो और पार्ट दे रखे हैं, तो मैं वो भी आपको करा देता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे हम दो पार्ट इसके और करते हैं। तो ये है इसको सेकंड पार्ट, इसमें आपको पॉलिनोमियल दे रखा है क्यू वाई। अब यहां पे भार तो मैंने बताया था, आपको कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है वाई, इसलिए यहां पे एक्स ही नहीं लिखा हुआ है, यहां पे वाई लिखा हुआ है। तो जरूरी नहीं है हमेशा आपको यहां पे एक्स मिलेगा, ठीक है। वेरिएबल हम कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, तो इस बार एक्स की जगह हमने वाई मान लिया है। और आपको यहां पे वाई की वैल्यू पुट क्या करनी है, टू। तो वाई की वैल्यू टू पे इस पूरी पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू निकालनी है। तो बस कुछ नहीं करना है, जहां पे वाई लिखा है उसकी जगह क्या लिख देना है, टू। तो भाई आपको 3 और y की जगह आपको लिखना है 2, उसका क्यूब -4 इंटू वाई, यानी उसकी वैल्यू 2 प्लस में रूट का 11। बस इसको सॉल्व कर देना है, 3 इंटू में 2 का क्यूब होता है 8, -4 2 जाए 8 प्लस रूट 11, ठीक है। अब होगा 8 3 जाए 24 माइनस का 8 प्लस रूट 11, ठीक है। और 24 में से 8 माइनस करेंगे, 24 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16, ठीक है। तो 16 प्लस रूट 11। अच्छा, अब कुछ बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, इनको भी जोड़ देते हैं कि 11 और 16 कितने हो गए, 27, रूट के अंदर लिख देते हैं। पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कभी जुड़ नहीं सकते। अब इस ये आपका आंसर हो गया, इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे, मैंने इसके बारे में आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि हमेशा दोनों रूट वाले नंबर ही, जब रूट के अंदर सेम वैल्यू होती है तभी जुड़ते हैं। ये रूट में है, यहाँ पे रूट में है ही नहीं, तो इनको जोड़ ही नहीं सकते आप, पहली बात, ठीक है। जोड़ कब सकते हैं, जब आप रूट 11 की पॉइंट में वैल्यू निकाल लें, डेसिमल वैल्यू निकाल के जोड़ दे तब अलग बात है, पर इस फॉर्म में आप इनको फिलहाल नहीं जोड़ सकते। एक बात और यहाँ पे भी आप समझे, कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 8 से 8 काट के 0 कर देते हैं, तो नहीं, पहले मल्टीप्लाई होती है। आप लोगों ने बोर्ड मास सीखा होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो बोर्ड मास में आपको इस एम ये मल्टीप्लाई पहले आता है, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, तो देखेंगे अब थर्ड पार्ट। इसमें आपको पी टी, यहां पे आप वेरिएबल दे दिया टी, दे रखा है 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 माइनस t की पावर 2 प्लस 6, और आपको t की वैल्यू दे रखी है t इजिकल टू a। अब देखो इसमें वेरिएबल की जगह वेरिएबल की वैल्यू एक वेरिएबल ही दी है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया, t की वैल्यू क्या दे दी है, a। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इस t की जगह क्या पुट कर देना है, a। और ये बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल बस इतना ही रह जाएगा, बस t की जगह हर बार a आ जाएगा, प्लस 5 a की पावर 3 माइनस a की पावर 2 प्लस 6, खत्म, ठीक है। तो क्योंकि ये कोई नंबर है ही नहीं, तो नंबर नहीं है तो हम इनकी मल्टीप्लाई डिवाइड या इनको सॉल्व कर ही नहीं सकते, बस वेरिएबल चेंज हो जाएगा, टी की जगह ए आ जाएगा, और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम अपने एक्सरसाइज 2.2 पे पहुंच जाते हैं और उसको हम शुरू करते हैं। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट
एक्स इजिकल टू जीरो, एक्स इजिकल टू माइनस वन एंड एक्स इजिकल टू टू। तो आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है ये 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसमें आपको ये तीन वैल्यूज रख के उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये वेरिएबल की वैल्यूज पुट करके इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अभी हमने सीखा था कि हम वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, कि अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू दे रखी हो तो उस समय पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मैं फिर से इसको px की फॉर्म में लिख लेता हूं कि px इज इक्वल टू है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इसमें जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मुझे दे रखा है x इज इक्वल टू 0, तो मैं px की वैल्यू क्या रख दूंगा, 0। यहां पे मैंने x की वैल्यू क्या रख दी, 0। तो आप जहां जहां पे x है उसकी जगह 0 लिख दो, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो आपको पता है जैसे कि 5 का 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है और वो भी 4 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, 3। तो ये आपकी वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको x की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस 1, तो p माइनस 1। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे माइनस 1 रखेंगे, 5 इंटू में माइनस 1, माइनस में 4 इंटू में माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 3। तो 5 इंटू माइनस 1 यानी होता है माइनस 5, माइनस का 4 इंटू में माइनस का 1 का स्क्वायर होता है प्लस 1 प्लस में 3। तो माइनस का 5, अब देखेंगे अभी मैं थोड़ी, तो मैं आपको अभी बोर्ड मास के बारे में बता रहा था, तो देख लीजिए कि यहाँ पे जैसे माइनस 5 माइनस 4 इंटू 1 हो रहा है, तो कई लोग क्या कर देते हैं कि पहले इन दोनों को वही माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, मैं आपको बोर्ड मास समझा ही देता हूँ कि बोर्ड मास होता क्या है। तो आप देखेंगे ये बोर्ड मास होता क्या कि इसी जो भी ये इनके फुल फॉर्म है हमें उसी सीक्वेंस में इनको सॉल्व करना पड़ता है, जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं उन्हें हमें इसी सीक्वेंस में सॉल्व करना पड़ता है, जिसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट करना पड़ता है, फिर हमें करना पड़ता है ऑफ, ठीक है, फिर हमें करना पड़ता है डिवाइड, फिर हमें करना पड़ता है मल्टीप्लाई, फिर हमें करना पड़ता है एडिशन, और लास्ट में हमें करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन। तो अगर हमें कभी भी जब बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ करने पड़ते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, अब मैं पहले क्या करूं बाद में क्या करूं, ये चीज जानने के लिए आपको बोर्ड मास जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बच्चों को पता होता है पर बहुत से बच्चों को बोर्ड मास की जानकारी नहीं होती है, तो इसको आप ध्यान से समझ लेना। ये नहीं कि हम लाइन वाइज करते जाएंगे कि पहले माइनस 5 है फिर माइनस 4 है तो माइनस 9 हो गया, माइनस 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 9 आ गया, और माइनस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6 हो गया। नहीं, हमारा आंसर ऐसे गलत आएगा। ठीक है, इसको सही करने का तरीका क्या है, इसको सही करने का तरीका ये है, उस तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, गलत। ठीक है, फिलहाल आंसर तो हमारा वही आने वाला है जो अभी मैंने निकाला, पर तरीका गलत है। यहां 1 आ गया ना, इसलिए हमारा आंसर सेम आ रहा है, पर अगर मैं इसकी जगह 2 कर दूंगा ना तो मेरा आंसर अलग आ जाएगा। अभी मैंने माइनस 6 बताया, आंसर इसका माइनस 6 ही आने वाला है वैसे। तो फिलहाल हम देखते हैं कि मेरे सामने माइनस है, इधर मेरे पास क्या है, माइनस। ठीक है, इधर इसी से देख लो यार, इधर मेरे पास माइनस है और इधर मेरे पास मल्टीप्लाई है। ठीक है, इधर मेरे पास माइनस है और इधर मेरे पास मल्टीप्लाई है, तो मैं पहले क्या करूं। ठीक है, इस बात की कंफ्यूजन रहती है सब लोगों को कि इसमें पहले क्या किया जाए, पहले माइनस किया जाए या पहले मल्टीप्लाई। जिनको नहीं पता होता वो लाइन से कर देते हैं कि पहले माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस का 3 कर देंगे, आंसर माइनस 6। पर नहीं, पर जब हम बोर्ड मास को देखते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, माइनस 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 और सॉरी प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3, ब्रैकेट नहीं है। अगला है ऑफ, ठीक है, यहां कहीं ऑफ भी नहीं लिखा, ऑफ जानते हैं ना, जैसे हम करते हैं 3/5 ऑफ 7 ऐसा करना, तो ये ऑफ का मतलब भी वैसे मल्टीप्लाई जैसा ही होता है, पर इसको आप अलग तरीके से पहले सॉल्व करते हैं। फिर अगला आता है डिवाइड, ठीक है, यहां डिवाइड भी नहीं है, उसके बाद आता है मल्टीप्लाई। तो जब भी कभी आपको एक तरफ माइनस करना हो और एक तरफ मल्टीप्लाई करना हो तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे बाद में माइनस करेंगे। ठीक है,
पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे बाद में माइनस। मैं आपको इसका दिखा देता हूं, अगर यहां पे वन की जगह टू होता तो मैं दिखा देता हूं कि आपके कैसे दो अलग अलग आंसर आ सकते हैं। कि अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई की जगह, सॉरी वन की जगह टू होता, तब देखो आप कैसे इस आंसर में कंफ्यूज हो सकते थे। अगर मैं एक बार लाइन से करूं, मैं बोर्ड मास नहीं देख रहा, मैं लाइन से कर रहा हूं जैसे आप लोग करते हैं, ठीक है, तब क्या आंसर आता है? अगर मैं लाइन से करता हूं, -5 और -4 बनता है -9, -9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा माइनस का 18, -9 2 जा 18, और -18 + 3 करोगे तो कितना आएगा, -15। ठीक है, तो जब मैंने लाइन से किया तब मेरा आंसर आया -15। अब मैं बोर्ड मास लगाता हूं जिसमें पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है और बाद में मुझे ये माइनस करना है, तो इसके लिए मैं करूंगा -5 और -4 2 जा 8, -8 + 3, -8 और -5 होता है -13 और +3, और -13 और +3 कितना होता है, -10। तो असली आपका आंसर ये -10 है, ना कि -15। तो इस यही मैं बता रहा था कि यही गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। बोर्ड मास अगर आपको नहीं आता तो आप यही गलती कर देते हैं, यहाँ पे ये हमारा आंसर गलत है, ये हमारा आंसर ठीक है। यहाँ पे वन है इसीलिए हमें फर्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि -4 को ऐसे भी मल्टीप्लाई करो तब भी -6 ही आने वाला है आंसर लास्ट में, कि -5 आया, -4 × 1 -4 और +3, तो -5 -4 -9 + 3 = 6, -6 सॉरी। तो यहां पे अभी भी -6 आ रहा है, और चाहे आप सीक्वेंस में करोगे तब भी -6 आएगा, वो इस वन की वजह से आ रहा है, ठीक है। पर यहां पे वन की जगह कुछ और लग जाएगा, तो जब आप एक ही लाइन में करते रहेंगे ना सीधा सीधा बिना बोर्ड मास लगाए, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बोर्ड मास की जानकारी बहुत जरूरी है, जो कि आप बहुत छोटी क्लासेस में ही सीखते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने एक बार आपको बता दिया कि बोर्ड मास क्या होता है। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई इधर हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, तो आप पहले क्या करेंगे, तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड पार्ट था, और हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। तो इसको नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है x इजिकल टू 2, तो आपको p x इजिकल टू क्या रखना है, 2, और आपके पास पॉलिनोमियल तो है ही 5, x की जगह क्या रखना है 2, -4 × में 2 का स्क्वायर + 3, तो 5 2 जा कितना होता है 10, -4 × 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 3, तो माइनस का 10। अब फिर से देखो वही कंफ्यूजन आ गई ना, फिर से वही चीज आ गई, देखो माइनस और इधर मल्टीप्लाई, क्या करें भाई। अगर आप लाइन से करते हैं बिना बोर्ड मास लगाए, तो आप 10 में से पहले 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 4 जा 24, और उसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27, जो कि हमारा आंसर गलत है, ठीक है। गलत क्यों है, क्योंकि हमने इसमें बोर्ड मास नहीं लगाया। बात समझ में आ रही है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको बोर्ड मास आना बहुत जरूरी है। ये बच्चे इन्हीं छोटी छोटी गलती की वजह से अपने पूरे मार्क्स खो बैठते हैं, वो कहते हैं कि हमने सही किया है और आंसर आपका होता है गलत, और आपके पेपर में नंबर कट जाते हैं, तो आप इस बात से डिसअपॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बस आपने सब कुछ सही किया, आपने मल्टीप्लाई सही करी, प्लस सही करी, माइनस सही करी, पर फिर भी आंसर गलत हो गया। इसका कारण ये है कि आपके प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करने के सीक्वेंस गलत था, कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है, यही बात आपको इसमें पता होनी चाहिए। अगर वो आपको पता चल गई तो आप इस क्वेश्चन को सही कर बैठेंगे, ठीक है ना। तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, अभी मैंने बताया, फिर से लिख देता हूँ, बोर्ड मास, ठीक है ना, जिसमें एम का मतलब मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई और इस सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन जो होगी वो बाद में। अच्छा देखो, मल्टीप्लाई माइनस प्लस, ठीक है, तीनों लग रहा है, मल्टीप्लाई माइनस प्लस, कि मल्टीप्लाई भी है, इस तरफ से माइनस है और इस तरफ से प्लस है, तो पहले क्या करें, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर चाहो तो आप इसमें पहले ये ऐड कर सकते हो और बाद में इसको माइनस कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे पहले हमें करना क्या है, -16, ठीक है, सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई होगी, तो 4 4 जाए कितना हो जाएगा, -16, और उसमें प्लस करना है 3,
तो उसके बाद माइन मल्टीप्लाई के बाद क्या करते हैं, ऐड। तो ये हो रहा है ऐड, तो इनको ऐड कर दो, 10 माइनस का 16 और प्लस का 3, माइनस का 16 और प्लस का 3 कितना होता है, तो माइनस का 13, और 10 माइनस 13 कितना होता है, माइनस का 3। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया माइनस का 3। तो ये इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको ये चार पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, और आपको इन चारों पॉलिनोमियल्स के तीन तीन वैल्यू निकालनी है, एक बार 0 पुट करके, एक बार 1 पुट करके, एक बार 2 पुट करके। यहाँ पे आपके कोई से भी वेरिएबल दे रखी है, हर वेरिएबल में आपको ये तीनों वैल्यू पुट करनी है, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट करके हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको इसमें से दो पार्ट करा रहा हूं, दो पार्ट आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे, और यही क्वेश्चन हम आज लास्ट करेंगे। इसके आगे जो दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के बच जाते हैं वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको इसके दो पार्ट करके दिखा रहा हूं, बाकी दो पार्ट आप खुद करेंगे। तो मैं आपको एक काम करता हूं कि मैं आपको सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट करा देता हूँ, ये दो ईजी ईजी हैं, ये आप खुद कर लेना। तो आंसर में हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। जैसा कि आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, पी टी इज इक्वल टू 2 + t + 2t² - t³, ठीक है। अब यहां पे आपको t की वैल्यूज दे रखी है, एक बार 0 रखना है, 0 रखना है, तो जहां जहां पे t लिखा है वहां वहां पे हम 0 रख देंगे। तो 2 0, और ये 2 × 0² - 0³, तो p0 बन जाएगा 2 + 0 + 0 - 0, क्योंकि देखो 0² 0 होता है, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तब भी 0 हो जाएगा, माइनस में 0³ भी 0 होता है। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास लास्ट में क्या बचेगा, 2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसमें एक बार 1 भी पुट करना है, नाउ एक बार P1, 1 जब आप पुट करेंगे तो 2 + t² - 1 + t² - 1² तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 + 1² 1, और 1² 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1² 1³, 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं इसको अलग कर देता हूं। अब देखेंगे 2 क्या आ रहा है, 2 + 1 + 2 = 2, 2 = 2 -1, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे, इस प्लस का 1 और ये माइनस का 1 तो कट जाएंगे, और ये 2 और 2 कितना आ जाएगा, 4। तो ये दूसरी वैल्यू भी हमें हमारी निकल गई। अब एक और वैल्यू हमें पुट करनी है, x = 2, तो अब इस बार सॉरी t = 2, तो p2 पुट करना है, तो जहां जहां पे t लिखा हुआ है वहां वहां पे 2 लिख देंगे। ये 2 तो पहले से ही है क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन, ये 2 तो पहले से ही है, प्लस का t की जगह 2, और प्लस में 2 × t² तो 2 2 का स्क्वायर, और माइनस में t³ यानी माइनस का 2 का क्यूब। तो सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 + 2 और इंटू में ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 - 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो ये 2 + 2 + 4 2 = 8, और माइनस का 8, प्लस का 8 तो माइनस का 8 कट गया, और 2 और 2 कितना आ गया, 4। तो इस वाले में भी आंसर कितना आया, 4। तो पी ये इसमें टी की वैल्यू 1 रखने पे भी 4 आ रहा है, और 2 रखने पे भी 4 आ रहा है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसका लास्ट, मैं एक फोर्थ पार्ट करा रहा हूं आपको, उसके बाद ये दो क्वेश्चन जो हैं आप अपने होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखेंगे लास्ट पार्ट करते हैं हम इसका। पी हमें 0 रखना है, पहली बात तो पी एक्स है हमारे पास है क्या, x - 1 x + 1, एक बार हमें पुट करना है 0, तो p 0, जहां पे x लिखा है उसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 0। तो ये बन जाएगा 0 - 1 और 0 + 1, तो 0 - 1 तो -1 होता है, और ब्रैकेट के जब दो ब्रैकेट्स के बीच में कुछ भी नहीं होता है तो उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो
जीरो माइनस वन माइनस वन। अब दो ब्रैकेट के बीच में जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है उनके बीच में, मल्टीप्लाई। ठीक है, जब भी दो ब्रैकेट के बीच में कुछ भी आपको कोई भी साइन नहीं दिख रहा तो उसका मतलब है उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। अगर इसके बीच में प्लस का साइन लग रहा है तो प्लस हो रही है, माइनस का साइन लग रहा है तो माइनस हो रही है, पर अगर कोई भी साइन नहीं लग रहा है इसका मतलब इनके बीच में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जीरो माइनस वन तो माइनस वन, एंड मल्टीप्लाई में जीरो प्लस वन कितना आ जाएगा, प्लस वन। तो माइनस वन मल्टीप्लाई प्लस वन, तो आंसर आएगा माइनस का वन, क्योंकि माइनस 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 एंड प्लस क्या होता है, माइनस, और वन वन जा कितना होता है, वन। तो पी जीरो पुट कर दिया, एक बार हमें इसमें वैल्यू क्या पुट करनी है, वन, पी वन। जब आप वन पुट करेंगे तो आपका क्या करना है, एक्स माइनस वन, यानी एक्स की जगह वन माइनस वन, एक्स की जगह वन प्लस वन। तो 1 माइनस वन करेंगे तो 0 आएगा, और 1 प्लस वन करेंगे तो 2 आएगा। तो 0 इंटू में 2, और 0 इंटू में 2 करेंगे तो 0 आएगा। आप लोगों को पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आता है, इसीलिए 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। और इसका जो थर्ड पार्ट है, यानी कि इसमें जब हमें वैल्यू पुट करनी है, P इज इक्वल टू 2। अब हमें तीसरा क्या करना है इसमें, P इज इक्वल टू 2। तो जब आप 2 पुट करेंगे तो x की जगह आपको रखना है 2 माइनस 1, फिर x की जगह रखना है आपको 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 जब करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 1, और मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 जब आप करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, एंड 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वन जा 3। तो जब हम आपकी p की वैल्यू, इसमें वेरिएबल की वैल्यू 2 थी, तब आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो बहुत ही आसान है, आपको तीन वैल्यू पुट करने के लिए बोलिए हर पॉलिनोमियल के अंदर, तो आपको वैल्यू पुट करके बस उसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके आंखों के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये दो पार्ट सॉल्व कराए हैं, ये जो दो पार्ट बचे हैं क्वेश्चन इसका, फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, अगर आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आते ही सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।